हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि पेनोली। आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी किचन रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मक्की की रोटी बना रही हूं, जो झटपट से तैयार हो जाएगी और सर्दियों में खासतौर से सभी को पसंद आती है और ये हरे सरसों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए किचन में बनाते हैं मक्की की रोटी। मक्की की रोटी बनाने के लिए हमने 1 कप मक्की का आटा ले लिया है, 1 छोटी चम्मच हमने नमक ले लिया है, 2 चम्मच हमने घी ले लिया है और 1 कप हमने गरम उबलता हुआ पानी लेना है। सबसे पहले हम मक्की के आटे को गूंद लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा करकर इसमें हम पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। थोड़ा पानी डाल देंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे मिला देंगे। काफ़ी गर्म पानी है इसलिए हम इसे पहले चम्मच से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें हरे पत्ते भी डाल सकते हैं, मेथी या फिर पालक के पत्ते। अगर आपको परांठा स्टाइल में बनाना है, हम नॉर्मल रोटी बना रहे हैं। अब इसे हम हाथ से गूंद लेंगे। ऐसे ही मिलाते रहेंगे। इसे काफ़ी ऐसा चिकना गूंदना है हमें। ध्यान रखें पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जितना अच्छा आप गूंदेंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। अब इसे हम परात में निकाल देंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे, गूंद लेंगे। हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। अगर हम आटा सख्त रखेंगे तो हमारी रोटियां जल्दी से फट जाती है, इसलिए हमें आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। इसे इकट्ठा करके हम इसे एक बर्तन में रख देंगे। आप डोंगे में या किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, हम हॉटकेस में रख रहे हैं ताकि हमारा आटा गर्म रहे। इसका ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट तक हम गोलियां बनाएंगे। देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। हम इनकी गोलियां बना देते हैं। हमें गोलियां ज़्यादा पतली नहीं बनानी, ठीक बनानी है। हम इन्हें घुमा देंगे। ऐसी हमें अपनी सारी गोलियां बनानी है। देखिए हम दूसरी गोली भी बना देते हैं। हमें इसी तरह से बनानी है। हमने चकला ले लिया है, हमने प्लास्टिक शीट ले ली है, इससे आपको रोटी बनाने में आसानी होगी। हमने इसमें घी से ग्रीस कर लिया है। जहाँ पे हमें रोटी बनानी है वहाँ पे थोड़ा ग्रीस कर लें। हम दूसरी सीट में भी कर देंगे ग्रीस। हमें 2 सीट लेनी है, इससे आपकी रोटी बहुत ही आसानी से बन जाएगी। आपको हाथ से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक पैन रख दिया है, आप इसमें हम अपनी गोलियां रख देंगे। हम हाथ में पहले थोड़ा पानी लगा लेंगे, इससे आटा हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं। ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा प्रेस करके राउंड कर दीजिए आटे को। हमें ज़्यादा राउंड नहीं करना, थोड़ा ही। देखिए इसके ऊपर हम अपनी दूसरी सीट रख देंगे। इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करना है। इसे घुमाते रहना है। जिस साइड की हमें रोटी बनानी है उस साइड में इसे थोड़ा थोड़ा करके घुमा दीजिए। ये टिप्स है जो बहुत ही आसान टिप्स है, इससे आप आसानी से रोटी बना सकते हैं और जल्दी भी बन जाती है, इसमें टाइम भी कम लगता है। इसे घुमा दीजिए चारों तरफ से। देखिए ये तैयार हो गई है। देखिए पूरी गोल बनी है। आप उंगली से भी ऐसे कर सकते हैं।
या चम्मच से। हमारा पैन गर्म हो गया है, हम इसे थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो तवे में बना सकते हैं, आज आपको मैं पैन में बताऊंगी पैन में कैसे रोटी बनाएं मक्की की। देखिए इसे हम पलट देंगे। इस रोटी को हम थोड़ा पराठा स्टाइल में बनाएंगे। हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेते हैं अपनी, इसे भी प्रेस कर देंगे। देखिए ये भी तैयार हो गई है, अपनी हम सीट निकाल देंगे। अगर हमें लगा कि चारों तरफ से हमारी बराबर नहीं है, हम थोड़ा चम्मच की सहायता से इसे बराबर कर देंगे इस तरह से। चम्मच से आप या किसी भी बर्तन से कर सकते हैं जिससे आपको आसान लगे, हम चम्मच से कर रहे हैं। हाथ में लेके आराम से ये रोटी निकल जाएगी। देखिए हो गया है, हम इसे पलट देंगे। इसमें हम ग्रीस कर देंगे। हम थोड़ा पराठा स्टाइल में बना रहे हैं इसे, क्योंकि बच्चे को पराठे स्टाइल में अच्छी लगती है रोटी। इसे हम पलट देंगे। फिर ग्रीस कर देंगे। इसे थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है, नहीं तो रोटी अंदर से कच्ची रह जाती है। देखिए हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह ही हम दूसरी रोटी डाल देंगे। इसे हम गैस में सेक के बनाएंगे। इसमें हम ऑयल नहीं लगाएंगे, ना घी लगाएंगे। इसमें ऑयल ना लगाएं, घी ही इसमें अच्छा लगता है। इसे हम आँच में सेक लेंगे। इसे थोड़ा अच्छी तरह से सेकना होता है, ध्यान रखिए इसे कम आँच में ही सेके, ज़्यादा आँच में ना सेके, नहीं तो रोटी जल्दी से जल जाएगी। देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको हमारी यह रेसिपी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते तो अपना नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।